हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी संडे अपडेट। मैं सोच रही संडे को भी अपडेट, संडे थोड़ा फ्री रहते हैं हर कोई, तो संडे को भी पूरे प्लांट्स की नेम बताएंगे और थोड़े टिप्स भी देंगे साथ साथ। तो देखिए संडे अपडेट्स, संडे अपडेट्स मैं शुरू करूंगी यहाँ से। ये देखिए, मैंने जो आपके कटिंग लगाना बताया है और बॉन्साई कैसे बनाते हैं, ये देखिए मैंने ये कटिंग से बॉन्साई बनाया है। ये दिख रहा है आपको, ये काफ़ी एजेड है। ये देख रहे हैं एरियल रूट है ये। तो ये मैंने ऊपर का हिस्सा वहाँ से कट कर लिया था, मेरे जो टैंक के नीचे बड़ा प्लांट लगा हुआ था 5 फिट का, उसमें से मैंने ये कट किया और यहाँ लगा दिया। ये देखिए इसमें लीव भी आने लगे, यानी कि सक्सेस हो गई है। तो ये मैच्योर प्लांट अपन कैसे ले सकते हैं, इस तरह से मैंने बताया उसमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बनेगा, अगर आप छोटा प्लांट लाएंगे तो उसको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने इस तरह से बनाया है और ये देखिए, ये तो मैंने उसमें बताया भी है कटिंग्स लगाना पीपल की। ये देखिए रियो जीएसआई है ये फाइकस, और ये मेरा और भी वो, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, बाद में बताऊंगी। ये जो है ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं, ये टैमरेंड है, इमली जिसको बोलते हैं, इमली का झाड़, इमली का पेड़, प्लांट ट्री बनता है। और यहाँ ये इसका ये मैंने कटिंग जो आपको लगाना बताई है वो ये है, इधर धूप नहीं आती है, ये वाली ये धूप नहीं आती है तो मैंने यहाँ साया में रख दी। ये मेरा वो है एलोवेरा। हाँ, यहाँ पर मैंने सीड डाल दिए थे बीच उसके नीम के, तो ये आ गए। ये देखिए मैंने ट्रांसप्लांट किया है, मतलब इसमें नहीं डाले थे मैंने सीड ट्रे में डाले थे, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया और ये नीम की सीड भी डाले थे मैंने, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं और यहाँ पर स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया जो मैंने लीव से बताया था आपको वो है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सीड डाल दिए थे पोमेग्रेनेट के, अनार के। ये देखिए कितने अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये तो आप जानते होंगे जेट प्लांट फेमस है, देखो सीड से भी कितने अच्छे, 2 महीने का प्लांट है ये, कितना बड़ा होगा। ये कटिंग भी आती है लेकिन इसकी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी तो फेल भी हो जाती है। तो आप सीड डाल दें अनार के तो आ सकते हैं। शायद ये एलोवेरा, ये सब जेड प्लांट, या वो मेरा बोनसाई है, ये भी अनार बोनसाई है पोमोग्रेनेट का। ये मैं इसको अंडर ट्रेनिंग है, ये जेड है, यूफोर्बिया है इधर, ये भी यूफोर्बिया है, फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए जेड प्लांट के, ये भी एक बॉन्साई है, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये भी एक बॉन्साई है, काफ़ी सारे बॉन्साई हैं ये देखिए। और ये तो उसमें बताया मैंने, तो ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग भी लगाई है मैंने, लगा के बताया है। ये देखिए कितना मोटा ट्रंक है, देख रहे हैं कितना मोटा ट्रंक है इसका। ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, कटिंग भी इसकी आसानी से आ जाती है अगर सही तरह से लगाना सिखाया जाए तो, जो मैंने बताया है आप लोगों को। आप देख सकते हैं बॉन्साई की शुरुआत इसी तरह से कर सकते हैं। ये सेलुशिया प्लांट है, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं फ्लावर्स भी आने लगे हैं सेलुशिया, वहाँ भी एक है सेलुशिया।
और ये नीम बॉन्साई है, ये भी सेलुशिया है, ये भी नीम बॉन्साई है, ये अंडर ट्रेनिंग में है। इसका ज़रा खिला पिला के ट्रंक मोटा कर रहे हैं। और ये भी एक बॉन्साई है, ये भी एक बॉन्साई है, ये भी सारे अंडर ट्रेनिंग में चल रहे हैं। और यहाँ पर ये जेट प्लांट है, इसकी मैंने मतलब इसको नहीं बनाया अभी बॉन्साई, ये भी बॉन्साई बनाऊंगा। और ये है, ये तो आप जानते हैं करिया पाक करी पत्ता, जिसका मेरा वीडियो मौजूद है। ये थोड़ा बड़ा, थोड़ा क्या अच्छा खासा बड़ा होगा, ये देखिए। और इसकी स्टेम भी मोटा होगा, ये देख लो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये भी एक बॉन्साई है, ये टमाटर का पेड़ आ रहा है, अपने अभी आ गया, मैंने लगाया नहीं अभी। ये देख रहे हैं, ये नींबू लेमन प्लांट है, ये भी कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने 8-10 सीड डाले थे जिसमें एक ही बचा है, और उधर जो दोबारा डाले उसमें दो हैं। ये इस एज के जो मैंने डाले थे, दो साल का है ये प्लांट। काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं ये, पर 1.5 साल से ऊपर का है, मतलब 2 साल अभी हुए नहीं। ये मैंगो ट्री है, जो मैंने सीड डाल दिया था इसमें तो आ गया, खाने के बाद मैंने धो के डाल दिया था इसमें। और ये जेट प्लांट है, ये मैंने सीड से लगाया हुआ, वो है अडेनियम। मेरा बड़ा वाला प्लांट मर गया, एक में चली गई थी तो मेरा प्लांट मर गया, मुझे बहुत दुख हुआ। और ये इधर फाइकस है, इधर जेट है। हाँ, ये इसके बारे में भी मुझे बताना है, जो मैंने ये शायद आप लोगों को सही से दिखा के नहीं दिखा, इस साइड से दिखाना था मुझे। ये देख रहे हैं आप, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी कटिंग भी आ जाती है इसकी, देखो देख रहे हैं। ये भी मैंने छोटी कटिंग लगाई थी, ये कैसे कितना अच्छा ग्रो करा है, कितना मोटा वाला। अगर ये इसमें एक भी लीफ नहीं था इसमें फ्रेंड्स, मैंने देखिए एक भी लीफ नहीं था, ये देखो कितने सारे लीफ आ गए इसमें डंडी में। और ये 1 फीट से भी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं आप, 1 फीट से ज़्यादा लगाई थी मैंने, इसी तरह से लगा दिया था। शायद आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो छोटा कर देंगे इसको, लेकिन वो आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। बनियन ट्री, फाइकस, और ये भी नीम है एक, जो मैं इसको अंडर ट्रेनिंग में रखूँगी, थोड़े दिन में इसको बॉन्साई बनाऊँगी। और ये वाला मेरा बॉन्साई है, ये देखिए, ये भी बॉन्साई, अभी और वायरिंग करके मैं बॉन्साई बनाऊँगी। वायरिंग करी हुई है ऑलरेडी, करके मैंने अंडर ट्रेनिंग में है ये भी अभी। इसका तो शेप जब रीशेप करती हूँ मैं बार बार, इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं किया है मैंने। और ये तो मेरे मकानदार के हैं, ये जो है ना, उनके प्लांट नीचे रखे हुए थे तो मर गए, तो अब मैं इधर ये लोग लगा देंगे और दूसरे प्लांट लगाएंगे, तो मैं देखभाल कर दूँगी इसको। और ये देखो, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप जानते हैं, ये जो इसकी प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग करने के बाद मैंने जो खाद वाद दिया है, तो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, देख रहे हो आप, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसमें, कितना मतलब लीफ, अभी लीफ आ रहे हैं, ये बर्ड्स आ रहे हैं, अब इसमें फ्लावरिंग बहुत आई है, देखना आप। इसके बाद ये पोमेग्रेनेट का बॉन्साई है मेरा, देख रहे हैं आप, यहाँ से ट्रंक के हिस्से से दिखाती हूँ, कितना अच्छा बॉन्साई है, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छा ठीक हो गया है ये।
तीन चार साल का प्लांट होगा, सालों से लगा हुआ है मेरे पास, और मैं इसकी देखभाल भी करती हूँ अच्छे से, और इसकी कटिंग भी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ, कटिंग करती रहती हूँ। प्रून करने से क्या है, लंबा नहीं, मैं इसको मोटा कर रही हूँ खाली। और ये भी मेरा एक बोनसाई है, ये नीचे रखा हुआ था फ्रेंड्स, मैंने इसको धूप नहीं मिल रही है तो ये ऐसा हो गया, देखो बहुत अच्छा था। और ये भी मेरा एक बोनसाई है, देख रहे हैं आप, वायरिंग है, अंडर ट्रेनिंग में है सारी। और ये रियो, ये इसमें जेड लगाया, कटिंग्स हैं इसमें। और ये मनी प्लांट की कटिंग्स है, वो भी आ गई है, देखो। मॉनसून ऐसा मौसम होता है कि मॉनसून में लगाने से कटिंग भी आ जाती है। और ये इन लोगों का प्लांट है, ये मेरा वो कैना लिली है, देखिए कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, पहले भी फ्लावर्स आ चुके हैं और ये फिर से आ रहे हैं। ये देखिए मेरा ये सदाबहार दिन का, और इसका नाम मुझे नहीं पता है, पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये मेरे पास आ गया है तो मैंने इसको देखा नहीं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए इसका नाम। देखिए इसके ऐसे 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 लीफ हैं, मैं पास से दिखाती हूँ, और ये छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए विंका, वहाँ कैना लिली, वहाँ पे यूफोर्बिया, ये सारे, ये भी एक यूफोर्बिया है, ये बोगनविलिया है, सारे एक साथ मैंने रखे हुए हैं। ये भी सदाबहार है, और ये भी यूफोर्बिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब, ये बोनसाई है, ये मैंगो ट्रीज है, और यहाँ पे पूरे, यहाँ पे देखो ये पूरे जेट प्लांट्स है, यहाँ पे कैना लिलीज। अब ये देखो कितना यूफोर्बिया अमेलिया का कितना फ्लावर से भर गया है, देखिए। यहाँ भी देखिए, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, अब लीफ आ रहे हैं, ये भी फाइकस है जो मैंने कटिंग से लगाया है, देखिए।